बैक्टीरिया का टॉपिक हम पढ़े थे और बैक्टीरिया के टॉपिक के अंदर हमने उसके कंट्रोल के लिए डिफरेंट मेथड्स को देखा था, जिसमें हमारे पास फिजिकल मेथड्स आ गए थे, केमिकल मेथड्स थे, इसके अलावा हमने कीमोथेरेप्यूटिक वेज देखे थे जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स की बात की थी कि उनको यूज़ करके हम किस तरह से बैक्टीरिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई पैथोजन आ जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उनके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं। और वो मेथड्स क्या होते हैं, उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो इम्यूनाइजेशन आ जाता है। या जिसकी एग्जांपल में हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंटीसेप्सिस आ जाता है। एंटीसेप्सिस क्या है, ये बेसिकली वो मेथड्स हैं या वो प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम जिनकी मदद से हम इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं। तो मेथड्स टू एलिमिनेट इन्फेक्शंस। इसके अलावा हमारे पास कीमोथेरेपी आ जाती है। कीमोथेरेपी में क्या होगा, दवाइयों की मदद से इलाज करना। इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कुछ और तरीके हैं जिन्हें हम पब्लिक हेल्थ मेजर्स के अंडर लिख लेते हैं, पब्लिक हेल्थ मेजर्स। और पब्लिक हेल्थ मेजर्स में क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, इनके अंदर एक जैसे अगर हम पानी पीते हैं तो वाटर प्योरिफिकेशन आ जाएगा, वाटर प्योरिफिकेशन। इसके अलावा सीवेज डिस्पोजल, फूड प्रिजर्वेशन। इस तरह से डिफरेंट तरीके जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रिवेंशन और फिर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने मेंशन किया वो इम्यूनाइजेशन को मेंशन किया हुआ है। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन जो है ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसमें किया ये जाता है कि एक इंडिविजुअल को एक दवा कह लें, वैक्सीन कह लें, वो इंजेक्ट की जाती है और उससे होता ये है कि कोई भी बीमारी होने से पहले ही वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि उसके अंदर वो बीमारी कॉज नहीं होती, ठीक है। इसको एक आसान जुमले में हम इस तरह से समझ सकते हैं। थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें कि ये मेथड कहाँ से आया, तकरीबन 18th और 19th सेंचुरी में इसके ऊपर काम हुआ। हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक एडवर्ड जेनर और दूसरे लुईस पाश्चर। एडवर्ड जेनर जिन्होंने 18th सेंचुरी में काम किया, उसके बाद हमारे पास लुईस पाश्चर हैं जिन्होंने इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसके ऊपर काम किया। और पाश्चर के अगर हम एक्सपीरियंसेस को देखें कि उन्होंने क्या काम किया, स्टोरी वाइज इसको देखते हैं ताकि हम उसको इजीली याद भी रख सकें, समझ भी स्टोरी वाइज हम इसको देखते हैं ताकि हम इजीली इसको याद भी कर सकें, समझ भी सकें। लुईस पाश्चर ने क्या किया, लुईस पाश्चर ने फर्स्ट टाइम चिकन कोलरा की बीमारी के जो बैक्टीरिया था उसको आइसोलेट किया। एक काम करते हैं, हम इसके स्टेप्स बना लेते हैं। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि ही आइसोलेटेड चिकन कोलरा के जो बैक्टीरिया, ही आइसोलेटेड बैक्टीरियम फॉर चिकन कोलरा, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसने जो चिकन कोलरा कॉज करता है चिकन के अंदर। उसके बाद उन्होंने ये किया कि अब वो बैक्टीरिया तो आ गया उनके पास, उन्होंने उसका एक कल्चर ग्रो कराया। ही ग्रू इट्स कल्चर, यानी कि लैब में ख़ुद से इसको ग्रो कराया। और ग्रो कराने के बाद उन्होंने रॉबर्ट कोच के टेक्निक्स को आजमाया। रॉबर्ट कोच ने हमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने बात की थी, और उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे जिनको हमने पढ़ा था। हमने कहा था वो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। इसमें किया क्या कि हेल्दी चिकन को लेके उनके अंदर ये वाला जो आइसोलेट किया था बैक्टीरिया या जिसका कल्चर ग्रो कराया था उनको इनोक्युलेट किया, यानी कि लेबॉरेटरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्या था, लैब एक्सपेरिमेंट, कि कुछ हेल्दी चिकन लिए और उनको इनोक्युलेट कराया उस कल्चर से जो कि लैब में ग्रो कराया गया था। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसके रिजल्ट में हुआ ये कि ये जो हेल्दी चिकन थे इनके अंदर भी बीमारी कॉज होगी, ठीक है, यानी कि उनको भी चिकन कोलरा हो गया।
और विद इन डेज उनकी डेथ हो गई। इस चीज को प्रूव करने के लिए लुईस पाश्चर ने क्या किया कि एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट रखा, यानी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रखी लोगों को ये बताने के लिए। और पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया कि इन्हीं सारे स्टेप्स को दोबारा से दोहराया। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हुआ कि एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ हेल्दी चिकन लिए गए और उनको इनोकुलेट कराया गया बैक्टीरियल कल्चर से, यानी कि वही बैक्टीरिया जो कि ग्रो कराया था वो इनके अंदर भी इनोकुलेट करा दिया। और इसके रिजल्ट में हुआ क्या, इसके रिजल्ट में यह हुआ कि लुईस पाश्चर ने तो इंतज़ार किया कि अब ये वाले जो चिकन है इनके अंदर भी डिजीज़ कॉज होगी, बट इन चिकन के अंदर कोई डिजीज़ कॉज नहीं हुई, नथिंग हैपेंड। अच्छा, ये इनोकुलेशन का वर्ड जो हम यूज़ करें इसका क्या मतलब है? इनोकुलेशन हम ये कहते हैं कि पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डेलिब्रेटली किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कराना, या उनके लिविंग टिश्यूज के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देना। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखा गया कि इन हेल्दी जो चिकन थे इनके अंदर कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई। अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लुईस पाश्चर ने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, वो ये थी कि एक तो ये चीज़ उन्हें पता चली जो उनको पता थी ऑलरेडी, कि उन्होंने जो कल्चर यूज़ किया था वो पुराना कल्चर था, यानी कि जो लैब में उन्होंने एक कल्चर बैक्टीरिया का ग्रो कराया हुआ था उसी को अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज़ किया, और कुछ दिन बाद जब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की तब भी वही वाला कल्चर यूज़ किया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब हम पुराने कल्चर को यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो वायरलेंस है वो कम हो जाती है, कि बैक्टीरिया लूज इट्स वायरलेंस या पैथोजेनिटी व्हेन इट्स ओल्ड। जब बैक्टीरिया ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसके अंदर वायरलेंस या पैथोजेनिटी, ये क्या है वायरलेंस या पैथोजेनिटी, बेसिकली हम इसे कहते हैं ये है एबिलिटी टू कॉज डिजीज, ठीक है। तो वो टाइम के साथ साथ जब बैक्टीरिया ओल्ड हो जाता है तो वो कम हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो वीक हो जाते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं कि वो वीक हो जाते हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो ये थी, कुछ और इसको स्टडी किया तो ये पता चला कि बैक्टीरिया जो कि इंजेक्ट कराया गया था उसने बॉडी के अंदर बॉडी को स्टिमुलेट तो किया, और उसके स्टिमुलेट करने से क्या हुआ कि बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, यानी कि बैक्टीरिया स्टिमुलेटेड होस्ट बॉडी को स्टिमुलेट किया, और होस्ट बॉडी ने क्या किया कि एंटीबॉडीज़ बना दी, और एंटीबॉडीज़ क्या बनाई, वो अगेंस्ट इन्फेक्शन बनाई। बैक्टीरिया स्टिमुलेटेड होस्ट बॉडी, इन रिजल्ट बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो भी जाए तो उस होस्ट बॉडी के अंदर, यानी यहाँ पर अगर हम चिकन की बात करें, उस चिकन के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी और वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेंगे। यही प्रोसेस बेसिकली वैक्सीनेशन कहलाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को लुईस पाश्चर ने फिर दोबारा से कुछ और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी किया, जैसे कि काऊ के अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंथ्रेक्स। इस बीमारी के लिए भी लुईस पाश्चर ने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। इसके अंदर क्या किया गया कि एंथ्रेक्स के जो कॉजेटिव एजेंट्स थे, बैक्टीरिया था या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको अलग किया, सेपरेट किया, उनका कल्चर ग्रो कराया, हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको इनोकुलेट कराया, और इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि वाकई अगर हम केयरफुली एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट कराएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी जिसके रिजल्ट में उनको बीमारी नहीं होगी। लुईस पाश्चर ने ये जो कल्चर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए थे, इनोकुलेट कराए थे, उनको नाम दे दिया वैक्सीन का। और क्यों दिया, वैक्सीन का जो वर्ड है वो वैका से निकलता है, वैका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है काऊ, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसीजर है, इसको नाम दे दिया वैक्सीनेशन। अच्छा, लुईस पाश्चर के वर्क को या इसके इनके काम को हम देख रहे हैं, ये काम तकरीबन 19th सेंचुरी का काम है। इससे पहले 18th सेंचुरी में हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने भी इसी के ऊपर कुछ काम किया, बट उसको कोई खास नाम नहीं दिया। ये जो वैक्सीनेशन या वैक्सीन का जो वर्ड है ये लुईस पाश्चर ने दिया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्जर्व किया कि
मिल्क मेड्स जो होती है, मिल्क मेड्स वो ख़वातीन हैं जो कि जानवरों का दूध दोहती हैं, ठीक है। मिल्क मेड जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का दूध दो रही हैं, जिनमें गाय आ जाती हैं, और वो गाय भी आ जाती हैं जिनके अंदर काऊ पॉक्स का की बीमारी मौजूद है, काऊ पॉक्स। अब ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो ख़वातीन जब दूध दोहती हैं तो उनके अंदर स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक है, बहुत कम है या नहीं पाई जाती। इसको एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं कि वो ख़वातीन जो कि काऊ पॉक्स से मुतासिर जानवरों का दूध दोहती हैं उनके अंदर स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्या किया गया, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक बच्चे को लिया गया और उस बच्चे के अंदर इन काऊ पॉक्स की जो बीमारी है या स्मॉल पॉक्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ये बीमारी कॉज करते हैं उनको इनोकुलेट किया गया। वो टेस्ट जिस बच्चे के ऊपर परफॉर्म किया गया उसका नाम था फिप्स जेम्स। और किया ये गया कि सबसे पहले तो उसको इनोकुलेट कराया गया काऊ पॉक्स मटेरियल से, उसके बाद उसको फिर इनोकुलेट कराया गया स्मॉल पॉक्स के मटेरियल से, और इसका रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट ये आया कि ये जो बच्चा है इसके अंदर ये बीमारी कॉज नहीं हुई, नो डिज़ीज़। तो ये भी मिलती जुलती ही बात है, बट इसको नाम कोई नहीं दिया गया। इस केस में हुआ क्या कि काऊ पॉक्स का जो मटेरियल था उसने इस बच्चे की बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा कर दी या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करा दिए। अच्छा, ये जो एंटीबॉडीज़ का हम वर्ड यूज़, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दिए। अच्छा, ये जो एंटीबॉडीज़ का वर्ड है इसको हम बार बार यूज़ करें, इसका क्या मतलब है इसको भी हम देख लेते हैं। एंटीबॉडीज़ को समझने से पहले एक और वर्ड है एंटीजन, इसको अगर आप समझ लें। एंटीजन क्या होता है, जब भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाता है वो एंटीजन कहलाता है, ठीक है। फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि अभी इस केस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फॉरेन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये वो सब्सटेंस है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करता है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो एंटीजन होंगे। जब भी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें होता यह है कि उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं ये प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स करती क्या हैं, ये डिस्ट्रॉय करती हैं एंटीजन को। ये हमारे बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स जो सेल हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं और वो इस एंटीजन के खिलाफ एक्ट करती हैं, बाकायदा एक समझ लें कि एक किस्म की जंग होती है और उसमें इसके खिलाफ एक्ट करती हैं। यही इसी को हम जो नाम लेते हैं ना कुदरती मुदाफियाती निज़ाम, वो क्या निज़ाम है, वो यही निज़ाम है जिसे हम अपना इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। उस इम्यून सिस्टम में यही होता है कि हर एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि वैक्सीनेशन में हम ये करते हैं कि हम एक एंटीजन खुद एंटर, जो एंटीजन है वो क्या होता है, वो हम वीक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर खुद एंटर कराते हैं। उस वीक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बना देती है, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि दोबारा से जब रियल ऑर्गेनिज्म या रियल माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, वो उसको आसानी से ख़त्म कर सकता है और इन रिज़ल्ट क्या होगा कि हमें बीमारी नहीं होगी। अब ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये डिफरेंट होती हैं हर बीमारी के लिए, हर बीमारी के या फिर हर ऑर्गेनिज़म के लिए ये एंटीबॉडीज़ डिफरेंट होंगी। इसके एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें वैक्सीनेशन के एग्ज़ाम्पल को, तो हम आप जानते हैं पाकिस्तान में एक पोलियो की मुहिम चलती है और उसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को पोलियो के कत्ते पिलाए जाते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो भी वैक्सीन होती है पोलियो की, और उस वैक्सीन की मदद से ये होता है कि पोलियो के जो वायरस है या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पोलियो कॉज करते हैं वो अगर बॉडी के अंदर आ भी जाएँ तो बॉडी में वैक्सीन प्रेजेंट होती है। वैक्सीन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और बॉडी ने एंटीबॉडीज़ क्रिएट किए हुए होते हैं। तो अगर पोलियो के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बॉडी में एंटर हो भी जाएं तो पोलियो कॉज नहीं होता।
तो ये हमने इसकी एग्जांपल देख ली। आज के लेक्चर को समराइज़ कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। आज हमने इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन को देखा था, और इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को बेसिकली हमने देखा कि वो किस तरह से डिस्कवर हुआ, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे। एक तो लुईस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट पर देखा हमने, उसके अलावा फिर हमने एडवर्ड जेनर के एक्सपेरिमेंट्स को देखा, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है होता क्या है, और एंटीबॉडीज़ और एंटीजन ये क्या चीज़ हैं, और किस तरह से हेल्प करती है हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।